कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिजाब विवाद फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण जिलों के मुस्लिम संगठनों ने राज्य में 13 नए निजी कॉलेज खोलने के आवेदन किए हैं। इन कॉलेजों में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको बता दें, मुस्लिम संगठनों की ओर से निजी कॉलेज खोलने के एक साथ इतने आवेदन पहले कभी नहीं मिले थे। पिछले 5 सालों में मुस्लिम संगठनों ने एक भी आवेदन नहीं किया था, तो वहीं अभी तक राज्य के सभी शासकीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों लड़कियों ने परीक्षा तक छोड़ दी। आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछली सरकार कांग्रेस ने सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया था। निजी स्कूलों को अपना ड्रेस कोड तय करने की छूट है। अब सरकारी स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में निजी शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करता है कि वे अपने यहाँ हिजाब की अनुमति देते हैं या नहीं। इसलिए मुस्लिम संगठनों ने अपने कॉलेज खोलने का खुद फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।